जानूंगा कि पास में जो कोई घटना घटी है उस तारीख उस घटना को कौन सा दिन था उस तारीख को कौन सा दिन था। जैसे कि जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को घटी, तो अपने जनरली जानते हो कि बुक में दिया हुआ है कि 13 अप्रैल को रविवार का दिन था, इसे पूरी रविवार ही कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानेंगे तो इसे कैसे निकालेंगे, तो उसको मैं आपको आज बताऊंगा। तो इसके लिए पहले आपको हफ्ताओं और महीने के कोडों को जानना होगा, जो बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, महीने का जो कोड है मैं यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर महीने का कोड है मंथली कोड, यहाँ पर JFM। मैं इसे आपको सूचित कर रहा हूँ कि जे से जनवरी फरवरी वही है, तो जे जनवरी का जीरो कोड होता है। एक महीने पूरा एक महीने जनवरी का जो है कोड जीरो होता है। जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का कोड होता है 3। ऐसे ही करके जो पूरा सारणी बनाई हुई है वैसी प्रकार है, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लीप ईयर में जो होता है, लीप ईयर में क्या होता है, जनवरी और फरवरी का जो कोड है वो बदल जाता है। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड रहता है 6 और फरवरी में हो जाता है 2। और जनरली जो ऐसा जो है उसमें जनवरी में 0 ही रहता है, फरवरी में 3 रहता है। सिर्फ लीप ईयर में इसका जनवरी और फरवरी का सिर्फ कोड बदलेगा। और यहाँ पर सप्ताह के कोड है, वीकली कोड। तो वीक संडे का जो है 0 है, मंडे का 1 है, इसी करके पूरा जो है देव है। फिर आपको ध्यान देना है संडे 0 और उसी से 1-2 करके 6 तक ले जाना है, सैटरडे तक। तो फ्रेंड्स, आइए आप फॉर्मूला देखते हैं। सूत्र के आधार पर जो फॉर्मूला है, यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है साल का अंतिम 2 अंक। कोई भी आप टॉपिक उठाइएगा, कोई भी साल उठाइएगा, तो उसका जो है अंतिम 2 अंक आप लीजिएगा, उसका प्लस का चिन्ह दीजिएगा, उसका फिर से साल का अंतिम 2 अंक के केवल भागफल और बटा में उसके 4। और यहाँ पर जगह थोड़ा कम था इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। और प्लस दिन, कौन सा दिन था उस वो लिख लेना है। प्लस में महीने का कोड, महीने का कोड यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी महीना होगा यहाँ से कोड ले लीजिएगा, वही कोड हम यहाँ पर डालेंगे। उसका पूरे के बटा में, पूरे जो है जितना फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा पूरे के बटा में 7 देंगे। तो फ्रेंड्स, यही होगा, ऐसे ही बनेगा। तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक लूंगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल जो था चौथा महीना था। तो इसी हम जानेंगे कि 13 अप्रैल 13 तारीख को कौन सा दिन था, वही आज हम आपको जानेंगे। फॉर्मूला क्या है कि साल का अंतिम 2 अंक, साल मतलब वर्ष, वर्ष का इंग्लिश होता है ईयर, तो उसका जो है अंतिम 2 अंक, तो 1919 जो है उसका अंतिम 2 अंक है 19। तो पहले इसे ले लेंगे, यहाँ क्या करा है, साल का अंतिम 2 अंक पहले क्या करेंगे, साल का अंतिम 2 अंक है 19, तो पहले 19 लिख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह, तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद साल का अंतिम 2 अंक का केवल भागफल, तो 4 से जो अंतिम 2 अंक का जो अंतिम 2 अंक जो होगा इसका, उसमें जब 4 से भाग देंगे तो कौन सा दिन होगा उसका सिर्फ भागफल, भागफल करने का मतलब अब इसको लास्ट जो है 19, तो 19 से भाग देंगे 4 में, 4 से 19 में भाग देंगे, 4 से जब 19 में भाग देंगे चढ़ चुके 16। अब जब अगर इसे हम भाग लगाएंगे इसका जो क्या होगा पॉइंट मिल जाएगा, तो पॉइंट बुलाना नहीं है, सिर्फ जो है हमारा भागफल का हमारा काम है। तो यहाँ पर जो भागफल है ये इतना है, तो 4 से लगाया तो भागफल कितना हो गया, तो 4 यहाँ लिख देंगे भागफल 4। और फ्रेंड्स, और क्या करा है यहाँ पर, उसके बाद प्लस में दिन लिखना है, कौन सा दिन था, तो दिन मतलब डेट लिख देना है, उस दिन कौन सा डेट था। तो 13 तारीख तो है, 13 तारीख तो हुआ था 13 अप्रैल को, तो प्लस में यहाँ 13 लिख देंगे, 13 हो गया। उसके बाद प्लस, मैं जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया नीचे, तो प्लस के बाद यहाँ महीने का कोड। तो 4 अप्रैल जो है, 13 अप्रैल जो है तो चौथा महीना था, तो चौथा महीना जो है महीने का कोड, तो चौथा महीना कौन सा कोड था, चौथा महीना को मतलब अप्रैल का कौन सा कोड है। तो यहाँ देखिए जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, तो अप्रैल जो है अप्रैल का कोड क्या है 6 है, तो हम यहाँ पर 6 डालेंगे, हो गया महीने का कोड भी बैक है। साल का अंतिम 2 अंक लिख लिया,
साल का अंतिम दो अंक का केवल भागफल चार से भाग देने पर जो भागफल आएगा यहाँ लिख दिया हूं मैं। उसके बाद क्या है कि दिन कौन सा दिन था तो 13 तारीख था और महीने का कुल क्या था तो 6 है, मैं लिख दिया। उसके पूरा के बटा में 7 देना है, पूरा के बटा में जो है वो 7 देना है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं आपको। पूरा के महीना में 7 देना है, अब इसको ऐड करिए, इसको ऐड करने पर कितना आएगा, इसको ऐड करने पर आएगा, इसको ऐड करने पर जो है 42 आएगा और बटा में कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। और एक बात आपको फिर से क्लियर करनी है कि 7 से जो है 42 में भाग देंगे तो कितना मतलब लगेगा, 7 × 42 6 मरतबे लग जाएगा, 6 से जब लग जाएगा ये पूरा कट जाएगा, इसका शेष फल कितना बचेगा, शेष फल जो बचता है वह शेष फल, शेष फल कितना है 0 है। तो इसका 7 से 6 मतलब कट गया, लेकिन हमारा कटना के नहीं है, शेष फल वही मेरा काम है। इसका शेष फल कितना आया, 0 आया, 0 इसका शेष फल आया है, इससे हमको इसका जो है ये जो है 0 आया है। तो 0 आया है तो काटने पर तो 7 × 42 कटेगा, ये भागफल होगा, 7 × 6 जो होगा इसका भागफल होगा। हमको भागफल से लेना देना नहीं, हमको शेष फल से लेना है, शेष फल हमारा 0 आया है इसीलिए मैं यहाँ पर 0 लिखा हूँ। अब हो गया ये, उसके बाद आपको बताता हूँ कि जो 0 आया हमको जानना क्या है कि 13 अप्रैल को 13 तारीख को जो है कौन सा दिन था। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ क्या है सप्ताह के कोड, तो सप्ताह के कोड जो है वो 0 है, तो 0 जो है संडे का कोड है, कौन सप्ताह का कोड है संडे का, तो संडे दिन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था तो 13 तारीख को कौन सा दिन था, तो 0 = संडे। तो ये जो है हमारा ये फॉर्मूला, इसी को आपको क्लियर करना है फ्रेंड्स। ये जितना भी आपको लीप ईयर और महीने का कोड है, सप्ताह का कोड है, और ये फॉर्मूला जो है आपको हमेशा के लिए अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है। आप देखा कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया, अगर 2000 या 2000 से अधिक कोई अगर वर्ष रहे तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे तो मैंने यहाँ पर देखा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है 1919 को हुआ, तो 1919 है तो 2000 से कम ही है, अगर 2004 या 2005 हो या 2000 हो तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये जो है अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा।